श्री राधे श्याम जी, मित्रों आप सबका मित्र सबका दोस्त दास दीपक एक बार फिर हाजिर है आज आपके समक्ष। मैं चला आज फिर हरि कृपा से एक बेजुबान की सेवा मिली है। जी हाँ, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, एक बहुत प्यारा बेजुबान कबूतर है बिल्कुल। और आपको पता है कि ये सेवा अक्सर मुझे मिलती रहती है। पिछली बार भी मैं दो कबूतर को एक साथ हॉस्पिटल छोड़ के आया था। आज ये बेजुबान मुझे मेरे घर के जीने में ही घायल मिला है। मेरे घर पे ऊपर जो बच्चे रहते हैं उन्होंने कहा अंकल जल्दी आइए, कबूतर घायल पड़ा है। जैसा कि आप देख सकते हो ध्यान से, तो उसको नीचे बाइट बाइट बाल हो रहे हैं, शायद ये फंगस लगी हुई है, कोई और प्रॉब्लम है। तो चलिए इसे मैं हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। कहाँ लेके जाऊँगा ये मैं आपको वहीं चल के बताऊँगा। तब तक आप एक काम कर लीजिए, जब जो भी मेरा मित्र दोस्त आज मैं पहली बार सुन रहा है मेरे यूट्यूब चैनल श्री हरि का दास दीपक, इसको रेड वाला सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप भक्ति मार्ग पे मेरे साथ अपडेट रहें। तो चलिए शादरा मेरे साथ जहाँ मैं इस कबूतर को उस हॉस्पिटल में छोड़ गया आऊँगा, उसके बाद इलाज के बाद वहाँ पक्षियों को उड़ा दिया जाए जाता है। तो चलिए मेरे साथ पक्षियों के हॉस्पिटल राधे श्याम। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इस कबूतर को लेके शादरा आ चुका हूँ। शादरा में ये हॉस्पिटल है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये नवीन शादरे में हॉस्पिटल है H4849 नवीन शादरा, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। ये जैन सेवा ट्रस्ट है। तो आइए सबसे पहले इस सेवा ट्रस्ट में इस कबूतर को हम देते हैं ताकि इसका इलाज हो सके। इस पर डाल खुलना भाई, ये कबूतर लीजिए भाई दीपक, ये भी भाई हमें रिसीव देंगे। ये एक मुझे रिसिप्ट मिल गई है जो कि यहाँ से मिली है, और ये मेरे ख्याल से भाई इस जल्दी जल्द ठीक होकर उड़ा देते हैं आप हैं टाइम पर। तो ये शादरे के अंदर है, आइए बाहर निकल कर बातें करते हैं आपसे। दोस्तों ये दिल्ली नवीन शादरा में है और जैन जो है जैन धर्म के अंतर्गत ये कार्य करता है पक्षियों का हॉस्पिटल। देखो सबसे पहले एक बात बोलाऊंगा, एक सनातनी होने के नाते सेवा परमो धर्म, बेजुबानों की सेवा करना हमारा परम दायित्व है, परम कर्तव्य है। परमात्मा ने सृष्टि बना के हम इंसानों के हाथ में सौंपी है कि सृष्टि को तरीके से चलाओ ताकि यहाँ पेड़ पौधे जीव जंतु जानवर सब सुरक्षित रहे। लेकिन आज कलयुग इंसान अपने पद से भटक गया है। खैर, जिसे हरि अवसर दे उसे इसका फायदा उठाना चाहिए। मुझे ये श्री हरि से प्रेरणा मिली, सनातन धर्म से प्रेरणा मिली कि मेरे को बेजुबान की सेवा करनी चाहिए। पिछली बार इस हॉस्पिटल में मैं दो कबूतर लाया था जो इलाज होकर उनको उड़ा दिया गया है, और आज फिर एक कबूतर का मुझे सेवा का अवसर मिला। मैं फिर बोलूँगा सनातन धर्म की पहचान है सेवा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, सेवा परमो धर्म। तो बेजुबानों की हमेशा रक्षा करे करो, सेवा करा करो, इससे पुण्य प्राप्त होता है और परमात्मा खुश होते हैं। सबसे बड़ी सेवा बेजुबानों की सेवा, नर सेवा नारायण सेवा, और बेजुबानों की सेवा नारायण की सेवा, क्योंकि हर जीव जंतु में नारायण का वास है। तो उम्मीद करता हूँ दास का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको मुझसे प्रेरणा मिली होगी। अगर दास की बात अच्छी लगे तो ये वीडियो शेयर कीजिएगा और आप भी इन बेजुबानों की रक्षा कीजिएगा। एक बात चल चलते और बता दूँ, कबूतरों की सेवा प्रभु ने मुझे दी है। जब भी कोई घायल कबूतर मेरे इलाके में होता है ना, सब लोग मेरे पास ही आते हैं और मैं उसे सीधा यहाँ पर लेके आता हूँ शादरा या लाल किले पर, बिल्कुल लाल किले चौक पर जैन मंदिर है, मैं वहाँ लेके जाता हूँ। मैं कहीं ना कहीं जाता हूँ, सबसे पहले सारे काम छोड़ के कबूतरों को उनका इलाज करवाता हूँ, उनको हॉस्पिटल छोड़ के आता हूँ। तो मैं बड़ी खुशी हुई कि प्रभु ने मुझे इस काम के लिए चुना, और परमात्मा आप पे भी कृपा करे, आपको भी यही बुद्धि दे, जब भी बेजुबान जीव जंतु कबूतर नहीं कोई जीव जंतु भी मिले उसकी सेवा करो, जल्दी से जल्दी उसको हॉस्पिटल जो पहुँचाओ ताकि वो उसका जीवन सुरक्षित रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। दास दीपक की आप सभी को आज की राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम।